हट जाए थोड़ा सा अपना समझकर देश के विकास के लिए जनमत दिया और खास तौर पर एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं ईमानदारी से इस बात को बोलूंगा, हर एक कार्यकर्ता ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदार प्रयास किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग नेता लोग सबसे पीछे थे, कार्यकर्ता उनसे आगे और जनता सबसे आगे। तो जो जिस तरीके का यह जनादेश आया कि ऐतिहासिक जनादेश, दोबारा एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मुझे लगता है ये इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि दो दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने और जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम लोग को मजबूती से साथ मिला, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का और हर एक कार्यकर्ता का जिसने दिन रात ईमानदारी से रातों रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। और ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को और हमारे तमाम पूरे के पूरे जमुई वासियों को जाता है जिन्होंने एक लक्ष्य लेकर चले थे कि पुनः विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री। आप मंत्री भी हो सकते हैं बने, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं अभी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल भी मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किनको लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। मेरा लक्ष्य लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मेरा लक्ष्य था कि हमारी पार्टी एज एन अलाय गठबंधन को और मजबूत करें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग जीत हासिल करें। और मुझे लगता है बिहार में अपने में ये एक ऐतिहासिक जीत है जहाँ पे महागठबंधन के लोगों को अपना खाता तक खोलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसमें भी बहुत मेहनत उनको करनी पड़ी है। तो जिस तरीके से एक लैंडस्लाइड स्वीप है और ये हम लोग शुरू से कहते थे कि 2014 से बड़ी जीत इस बार होगी और सोचिए हम लोग 38-40 की 40 तक भी हम लोग जा रहे होते हैं, तो जिस तरीके की एक ऐतिहासिक जीत बिहार ने भी दर्ज कराई है ये अपने में मुझे लगता है बहुत उत्साहवर्धक है। और आने वाले 5 साल मुझे लगता है बिहार और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुनहरे साल होंगे। आप दोबारा जीते गए हैं सर, आप दोबारा जीते गए हैं एज अ सांसद। जितने कार्य मैंने शुरू किए हैं, क्योंकि चुनाव के वक्त मुझे कई लोगों ने ये भी बोला कि भैया सिर्फ शिलान्यास ही होगा क्या, तो अब वो सारे कार्यों को इन 5 साल में धरातल पर उतारना, जितनी भी योजनाएं जो मैंने शुरू की हैं उनको धरातल पर उतारना, रेल से लेकर के मेडिकल कॉलेज से लेकर केंद्रीय विद्यालय बनवाने से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं, बरनार भी उनमें से एक है। मैं अपने उस वादे को मैं भूल नहीं रहा हूं। मुझे उस वक्त कई विपक्षियों ने बोला था कि बरनार आप लोग से बोलने के लिए बोल रहे हैं चुनाव के वक्त, पर उसको भी आप धरातल पर उतारना मेरी प्राथमिकता होगी। और इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास के लिए मेरी प्राथमिकता में ज़रूर रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई ना कोई इंडस्ट्री ज़रूर लेकर आऊँ और यूनिवर्सिटी और महिला कॉलेज की एक मांग यहाँ पर एक लंबे समय से एक लंबित रही है। इन तमाम चीज़ों पर एक साथ कार्य होगा और उम्मीद है कि अगले 5 साल का जब मैं प्रत्याशी के तौर पर पुनः होगा तो सारे कार्य धरातल पर उतर चुके होंगे। मोबाइल हटाओ ना, मोबाइल हटाओ यार।